इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम डज नॉट चेंज। ठीक है, अंडरलाइंड एटम हमको यहाँ पे नाइट्रोजन, सिलिकन, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ बोरोन है। देखना है इसके अंदर की किसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है। तो देख लीजिए जी, हम देखते हैं यहाँ पे जो NH3 है और BF3 है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। बोरोन जो होता है, बोरोन के अंदर एक ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। ठीक है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास में। इस वेकेंट ऑर्बिटल में जो NH3 है वो अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है। डोनेट करने पे अगर हम लोग देखें तो जो जो अमोनिया, ये NH3 है, इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है क्या? पहले अगर मैं देखूं तो NH3 जो था वो इस तरीके से था, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाए तो ये sp3 आती है। एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, चार नंबर हो गया स्टेरिक, और फोर स्टेरिक नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अभी भी कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4, चार बॉन्ड पेयर है, तो फोर बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, जीरो लोन पेयर है, तो भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, 4 पे sp3 आ रही है। तो कोई इसमें हाइब्रिडाइजेशन में चेंज है क्या? नहीं है कोई भी चेंज। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं है आफ्टर बैक बॉन्डिंग। इसके बाद में देखते हैं SiH4, इसके साथ में दो फ्लोरीन जुड़ गए। तो अगर आप इसको देखो और इसको देखोगे तो यहाँ पे देखते हैं, इसे सिलिकन है, इसके साथ पहले कितने फ्लोरीन है, चार फ्लोरीन है, तो ये क्या है हमारे पास में sp3 है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बना रहा है, sp3 है। अब इसके पास कितने आ गए, छह फ्लोरीन आ गए। अब इसने जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज लाया है वो क्या लाया है, sp3d2। ठीक है, दो माइनस लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये हो गया sp3d2। ये माइनस इस तरीके से ना भी लगाओ तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, ये 2 माइनस हो गया, तो sp3d2 तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ गया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें तो वही देखना है जिसमें चेंज नहीं आया। अब ये BH3 और ये वापस वही कहानी है। आप लोग देखिए, यहाँ पे बोरोन होता है, इसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर इसको दे दिया, जबकि इसके पास लोन पेयर था। ठीक है, ये दो लोन पेयर होते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालू ना तो कितनी निकलेगी, दो तो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो क्या आएगी, sp3 आएगी। sp3 है ना, चार आ रहा है स्टेरिक नंबर। यहाँ पे देखो, 1 2 3, तीन तो बॉन्ड पेयर बन गए, बट इसका एक लोन पेयर भी तो है, वो कहाँ गया, है ना, वन लोन पेयर, तो फोर पे क्या आ रहा है, sp3। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब लोन पेयर कोई डोनेट करता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल में से कोई, अगर कोई एलिमेंट है वो लोन पेयर को डोनेट करता है ना, तो डोनेट करते समय वो एक बॉन्ड बनाता है और उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहा है ना, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले लोन पेयर हो रहा था, वो बॉन्ड पेयर में काउंट हो रहा था, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है तो यहाँ पे देखिए, H3BO3, BOH, BOH और BOH, ये हो गया sp2। जब इसमें एक और OH जुड़ गया, देखो तो चार हो गए, तो BOH, BOH, BOH और BOH, अभी हो गया sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये दो मेरे आंसर आ गए, यहाँ पे दो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हो रहा है।